friends, it's Anamika again and welcome to Anna's Recipes. Friends, a warm welcome to the first show of my breakfast season. Friends, hamara desert season khatam ho chuka hai. Aapka bahut dhanyawad. Humne bahut sari desert recipes banayi. Hum aur bhi future mein banayenge. Aaj ka first episode hai hamare breakfast season ka. Friends, इस breakfast season में हम बहुत सारी breakfast recipes बनाएंगे, healthy recipes उन लोगों के लिए जो diet पे हैं, quick recipes उन लोगों के लिए जिनके पास सुबह time नहीं है और वो healthy भी ढूंढ रहे हैं, और कुछ ऐसी recipes भी जो आप बना सकते हैं जब आपके guest आए, और आप कैसे बचे हुए सामान को use करके भी आप बहुत खूबसूरत नाश्ता बना सकते हैं. तो यहाँ पे मैं लाने वाली हूँ बहुत सारी वैरायटीज, बहुत सारे ऐसे नाश्ते जो आपने अभी तक देखे भी नहीं होंगे. तो आप मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसके रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें. फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की फर्स्ट रेसिपी से. आज हम बहुत सिंपल बनाने वाले हैं. शुरुआत करने वाले हैं मॉर्निंग मसाला टी से. जी हाँ, चाय हम सबकी फेवरेट है, हर घर में बनती है और मोस्टली हर इंसान चाय पीता है. आज मैं आपको बताती हूँ मेरी मॉर्निंग टी, एक मसाला चाय मेरे स्टाइल में. आइए देखिए. Hey friends, click on the subscribe button and press the bell icon to get the latest updates about my recipes. मैंने 3 चम्मच चीनी और 1.5 चम्मच चाय पत्ती ली है 3 कप चाय बनाने के लिए. ये है चाय का मसाला, ये मैंने घर पे तैयार किया है. मैं आपको एंड में बताऊंगी कि आप इसे कैसे बना सकते हैं. और अदरक. सबसे पहले मैं पैन में डाल दूंगी 2.5 कप पानी. 3 कप चाय के लिए मैंने 2.5 कप पानी डाला है, क्योंकि थोड़ा सा पानी, जब हम पानी उबालते हैं तो भी इसमें उड़ जाता है. अदरक ले ली है मैंने थोड़ी सी, और इसे मैं अच्छे से पीसूंगी. आपको अदरक का टेस्ट पसंद है तो आप डालें, वरना ना डालें. अदरक में 1-2 इलायची के दाने डाल के मैंने अच्छे से पीस लिया है. पीसना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका जूस निकल जाए. ये देखिए कितने अच्छे से पिस गया है. अब मैं इसे पानी में डाल देती हूँ. इस अदरक को हमें पानी में उबालना है 2 से 3 मिनट. जब ये उबल जाएगा तब पत्ती डालेंगे. ये देखिए ये उबल गया है. डाल देती हूँ इसमें पत्ती 1.5 चम्मच. 3 कप चीनी के लिए मैंने 1.5 चम्मच पत्ती डाली है. 3-4 मिनट उबालने के बाद अब दूध डालते हैं, करीब 1 कप. ये फुल क्रीम दूध है इसलिए मैं 1 कप नाप के डाल रही हूँ 2 कप पानी में. अगर आपका टोन दूध है तो आप 1.5 कप पानी में 1.5 कप दूध डालिए. इसको अच्छे से 4 से 5 मिनट उबालने के बाद सिम गैस पे डालेंगे हम चीनी. मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच चीनी. थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ चाय का मसाला. ये 2-3 पिंच ही काफ़ी है, क्योंकि ये थोड़ा सा तीखा होता है. अब इसे 2-3 मिनट और उबाल के कर देंगे गैस बंद. सिम पे मैं इसे उबालने रख रही हूँ. ये देखिए चाय मेरी एकदम रेडी है. इसे छलनी से छान लेती हूँ. ये देखिए क्या खूबसूरत कलर आया है चाय का. फ्रेंड्स, ये है मसाला चाय का. सबसे पहले इसमें डालेंगे हम करीब 50 ग्राम इलायची, 20 ग्राम लौंग, 20 ग्राम काली मिर्च और करीब 10 ग्राम जावित्री, थोड़े से दालचीनी के दाने, करीब 3 से 4 स्टिक्स काफ़ी हैं. फ्रेंड्स, इस मसाले को आप जो चटनी बनाने का ब्लेंडर होता है आप उसमें डालिए,
और उस पर उसको आप पीस दीजिए अच्छे से और आप इसे रख सकते हैं करीब महीनों तक, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता और चाय में बहुत स्वादिष्ट टेस्ट देता है। आप इसमें सॉल्ट का पाउडर भी डाल सकते हैं जो कि ड्राई जिंजर पाउडर ही होता है, लेकिन क्योंकि मैंने अदरक अलग से डाली है तो मैं वो ड्राई जिंजर पाउडर इसमें यूज़ नहीं कर रही, उसकी ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ये जो इलायची है, ये जो इलायची देख रहे हैं, आपको इसके छिलके उतारने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको छिलकों के साथ पीसिए, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये चाय का मसाला जो है चाय में डल के चाय को बहुत टेस्टी बना देता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए ना मेरा मसाला, और ये रही मेरी चाय, आइए पीते हैं गरम गरम चाय।